हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एमडी टेक इंडिया के एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग लेकर आ गया हूँ एक नया प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और रिव्यू, जो कि है Xiaomi की तरफ से प्रोवाइडेड एक इलेक्ट्रिक जूसर, जो कि ग्लोबली तो लॉन्च है बट इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। तो इसको मैं आप लोग लेके आ गया हूँ एक एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग और रिव्यू और टेस्टिंग। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और ये वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसा कि मैं बताता कि ये है Xiaomi की तरफ से एक इलेक्ट्रिक जूसर कप, जो कि हम लोगों ने एक्चुअली में चाइनीज तो लिखा हुआ बट हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है। तो ये जो है ये आपका IP68 बैटरी है, जो यहाँ पर कुछ इसका जो स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है वो इसका यहाँ पर मैं बता दूँ, ये IP68 बैटरी है, ये हाईली सिक्योरेबल है यानी टाइट फिटिंग रहता है और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। जो कि इसका बैटरी मैं बता दूँ आपको, इसमें जो है आपको टोटल 1300 mAh का बैटरी मिलता है, जिसका पीछे में स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है, मैं आपको ये स्पेसिफिकेशंस भी मैं बता रहा हूँ। और इसमें जो है आपको ये तो वर्किंग वोल्टेज है वो 74 वोल्ट का है, पूरा पूरी इलेक्ट्रिक जूसर है। तो आपको इसमें चार्जिंग कोई भी कहीं भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चार्जेबल भी है, रिचार्जेबल भी है। तो कैसे चार्ज होगा मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी में। और उसके चलिए हम जल्दी से करते हैं ओपन। ऑल राइट, तो बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको मिल जाता है ये MI का Xiaomi का इलेक्ट्रिक जूसर। और ये जूसर आपको कुछ ऐसा दिखता है, पीछे में आपको ये इसका पावर बटन है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, डबल टैप करने पर ये ऑन होगा, ये कुछ इस तरह से ऑन होता है। और फिर वापस से ये डबल टैप कीजिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको ब्लेड्स दिखाते हैं और इसको हम लोग कुछ बस एक बार घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप ये कुछ इसका ऐसे ब्लेड्स देख सकते हैं, ब्लेड्स काफ़ी सही लग रहा है। और फिर यहाँ पे इसमें आपको नीचे में ये छोटा सा भी दिख रहा है, ये आपका Type-C चार्जिंग दिया हुआ है, Type-C चार्जिंग पोर्ट है। और साथ ही में आपको बॉक्स में ही एक ये Type-C चार्जिंग केबल मिल जाता है। तो इसमें ये है कि अगर आप इसको ऐसे ही, ये इसका जूसर है, और अगर हम लोग इसको ऐसे ही केबल लगा के छोड़ दे और पूरा लॉक नहीं करे, ऐसे हल्का सा लगा दिया पर इसको लॉक नहीं किया अच्छा से, तब इसमें कभी भी ऑन नहीं होगा। हम लोग ज़्यादा इसको पूरा अच्छे से एक्चुअली लॉक नहीं करेंगे, सही में कितना अच्छा जूस बना सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम लोग इसको जूसर को टेस्ट करने के लिए हम लोग ने कुछ यहाँ पर पोमेग्रेनेट का सीड्स लगाया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे लग करेंगे क्या, इसको ओपन कर लेंगे, इसमें हम लोग थोड़ा सा पोमेग्रेनेट डालते हैं। ओके, इतना काफ़ी होगा जूस बनाने के लिए। और फिर बाकी जो इधर उधर गिरा है उसको साफ कर दें और इसको बस इसको ऐसे ही लगा के अच्छा से टाइट करके, और ये आ गया। और इसमें ये चीज़ देखिए, आप लोग को ये चीज़ दिखा देता हूँ कि जब ये इसका पूरा जूस बन जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी होती कि आपको कब ऑफ करना है कब ऑफ नहीं करना है। तो जैसे ही ये बंद होता है आप लोग पूरा जो है इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस कर दीजिए, थोड़ा नीचे सेटल हो जाने दीजिए और फिर इसको आप ओपन कीजिए और इसका जो भी जो निकला है उसको आप दूसरा साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके बाद ये इजी टू क्लीन भी है, ये तुरंत ईजिली क्लीन हो जाता है। और ये जो हम लोग से निकला है उसको हम लोग एक छोटे से ग्लास में डाल के देखते हैं कि कितना सा जूस निकला है। तो ये देख सकते हैं, ये है इसका जूस जो कि देखने में भी काफी सही लग रहा है, बस गिरे नहीं क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ही ओवरलोड हम लोग कर दिए हैं। तो इसमें है, इसमें थोड़ा सा आपको जूस निकालेगा तो आपको थोड़ा छानना जरूर पड़ेगा, बाकी के लिए तो ये सही है। हम लोग इसको पी के देखते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट आता है। आप लोग को इसको छानना पड़ेगा पहले, हम लोग को इसको
और छानने के बाद जो है पूरा अच्छा से जूस निकाला है, पूरा अच्छा से क्रश हुआ है। अगर इनफैक्ट आप जो देख सकते हैं ये हम जो भी बीट्स है वो बहुत अच्छे क्रश हुए। और मुझे ये चीज़ अच्छा लगा इसमें कि जो इसका जो करने का है स्पीड है वो काफ़ी सही है, आवाज़ नॉइज बिल्कुल नहीं करता है और ये इजी टू क्लीन है। तो हम लोग इसको क्लीन करके लाते हैं तो अच्छा बन जाता है और फिर आप लोग से आके बात करते हैं। ऑलराइट, तो ये देख सकते हैं ये हम लोग ने इसको पूरी तरह से क्लीन कर लिया है और ये हल्का हल्का थोड़ा सा पानी का ड्रॉपलेट अंदर तक चला गया, अंदर में रह गया था, तो उससे तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। खैर आप देख सकते हैं ये इजिली क्लीन भी हो गया और अभी तो हम लोग इसको दो तीन बार यूज़ करिए बट अभी भी जो है इसका बैटरी जो है ये चल रहा है। और यहाँ पर जैसे आप इसको ऑन किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको ये LED जल जाएगा और ये आपको कुछ देर पर भी अपने आप बंद हो जाता है। इससे कि ये फायदा है कि इसमें आपको बैटरी वेस्टेज नहीं होगा और ये प्रोडक्ट काफ़ी सही है हम लोग। और अभी इसमें हम लोग अभी बहुत सारी चीज़ जैसे कि कॉफ़ी ये सब शेक ये सब भी बना के देखेंगे कि क्या वो सब भी बन पाता है कि नहीं। तो उसके लिए ये वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में नए अनबॉक्सिंग्स, नए गैजेट्स, नए रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।